इंग्लिश क्लास, आज हम पढ़ेंगे नरेशन में नेगेटिव सेंटेंस का क्या यूज होता है। जैसे हम कल पढ़े थे पॉजिटिव सेंटेंस में, तो दोनों का एग्जैक्टली वही रूल रहेगा, कुछ कुछ तो चेंज रहेगा, तो ये नेगेटिव ही क्यों बोलाया था, वही पॉजिटिव बोलता हाँ, तो वही चेंज को ही हमको रियलाइज करना है। ओके, तो लिख लीजिए द यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन नरेशन। हाँ, द यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इन नरेशन। क्लियर? ओके, आराम से आप नेगेटिव सेंटेंस और नरेशन भी लिख सकते हैं, हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन समझना वही है द सेंटेंस आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर ये नहीं पहचान पाएंगे तो कुछ गलत हो सकता है, ध्यान देखिए। हाँ, बारीकी बारीकी देखना आपको, टीट टू टीट। हाँ, तो जैसे हम हर पे करते हैं रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, पहले एक डेप्स कर देते हैं। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक हेल्प बना देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। वन मिनट, ये प्रॉब्लम करता है, हो गया हमारा। पहले रिपोर्टिंग को चलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, है ना, ये भी पहले रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो यहाँ पे सोच लीजिए हमको दिया है से या से टू, या दिया है सेस या सेस टू, या दिया है सेड या सेड टू, या ना। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कुछ चेंज करेंगे। हाँ, क्या होगा यहाँ पे, हम बहुत सारा वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे आक्स, है ना, आक्स, उसके बाद आक्स यूज कर सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि टर्म में हमको वन वर्ड यूज करना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, कभी कभी एडवाइस फॉर्म में भी दे सकता है क्वेश्चन, और भी कुछ चेंज है, सिर्फ वही रहेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, टोल का फॉर्म भी ले सकते हैं हम। हाँ, यहाँ पे हम टेल, टेल्स, टोल, ये स्ट्रक्चर में भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, और कोई कुछ जो रहेगा। और एक वर्ड यूज करेंगे हम नॉट टू, ध्यान देना, अगर नेगेटिव सेंटेंस है ये हम रिपोर्टेड को जाएंगे, ये हम रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग का चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो बोलेगा नॉट टू भी क्या नेगेटिव सेंटेंस है, डेफिनेट जो जो आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन जो जो बोला जा रहा है इसको पहले ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, है ना। हम कहाँ पे रिपोर्टिंग में, रिपोर्टेड हो गए नहीं है। हाँ, रिपोर्टिंग को पहले, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग का और भी कुछ चेंज हो सकता है ना, और मैं से ये आक्स रहेगा ऐसा नहीं है, और भी कुछ चेंज कर सकते हैं ना, ये ध्यान देना है। आक्स आक्स आक्स, टेल टेल्स टोल्ड। ओके, यहाँ पे और भी कुछ चेंज हो सकता है, ये ध्यान देना आपको। हाँ, तो ये क्लियर है ना, ये तो हो जाएगा। आक्स टेल एडवाइस वन, ये सब वर्ड हम यूज कर ली, ये तो समझ में आ जाता है। कुछ वर्ड रहता है एक्सेप्शनल, कुछ कुछ वर्ड हम नेगेटिव में यूज करेंगे, प्रोहिबिट, फॉरबिड, फॉरबिड है और टेस्ट के ऊपर डिपेंड, फॉरबिड है कि फॉरबिड है या फॉरबिड से, ये डिपेंड करता है। उसके बाद एब्सटेन वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोहिबिट वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रिवेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ये मैं लिखा देता हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू राइट, ध्यान देना। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ वर्ड आता है तो हर कुछ जानना चाहिए ना हमें। हाँ, तो क्लियर, ये वही रहेगा, ये डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम कैसे करेंगे ये ध्यान देना है, तो इनडायरेक्ट में नॉट टू की बात है, ये बात की है। ओके, खत्म। हाँ, दो टू स्ट्रक्चर रहता है, ये होता है हमारा सेल्स डायरेक्ट में, रिपोर्टिंग में है, ये इनडायरेक्ट में क्या होगा, और क्योंकि वर्ड में क्या होगा, हमको इनडायरेक्ट में कुछ वर्ड अलग अलग यूज करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना है। ओके, ध्यान देना बेटा, यहाँ बेटा लो। हाँ, कुछ सेंटेंस में हम यूज करेंगे, ध्यान देना, एक तो हो गया प्रोहिबिट। हाँ, अगर ये सेंटेंस में से है तो प्रोहिबिट होगा, से है तो प्रोहिबिट्स होगा, प्रोहिबिटेड होगा। ओके, नेगेटिव लेकिन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होने से ये आएगा ही नहीं। क्लियर, ये हो गया थी। और कुछ होगा था यहाँ पे, नहीं स्पेस नहीं होगा, मैं बिठा देता हूँ। क्लियर, तो प्रोहिबिट प्रोहिबिट्स प्रोहिबिटेड, ऐसे प्रिवेंट प्रिवेंट प्रिवेंटेड, कुछ वर्ड लिखते हैं। हाँ, हेल्प करेगा ये, ध्यान रखना एग्जाम में ये वर्ड आता है क्या आएगा ना। तो जैसे सोच लिए यहां प्रिवेंट
प्रिवेंट्स, प्रिवेंटेड, क्लियर तो ना, दिखता है ना, ये कहां पे हो जा रहा है, चेंज करेगा, फिर वहां पे कुछ चेंज करना, ध्यान देना है, प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंटेड, ये भी ध्यान देना है, इसके साथ ये तो नेगेटिव में आता है, लेकिन उसके साथ के भी नो नॉट यूज नहीं करना है, क्योंकि खुद नेगेटिव है, ये नो के साथ हम नॉट यूज नहीं करते, नो अगर रह गया तो फिर नो और नॉट एक साथ तो यूज नहीं कर सकते, तो ये सोच लीजिए नेगेटिव है, नेगेटिव तो है ही है, लेकिन यहाँ कोई कोई स्टूडेंट नो और नॉट यूज करके दे देते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है, तो ये सब खुद नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमको नॉट की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, अगर नॉट यूज करेंगे तो ये नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो नॉट यूज करेंगे, ये मैं फिर समझाऊंगा, लिख लीजिए, है ना, सेंटेंस एक दो दो करने के बाद लाइनअप हो जाएंगे, हाँ, तो प्रिवेंट, प्रिवेंट्स, प्रिवेंटेड, क्लियर, और कुछ वर्ड है, फुली परफेक्ट, यस, हाँ, फिर दूसरा दूसरा रूल्स भी रहेगा, ये ध्यान देंगे, हाँ, उसके बाद आप यूज करेंगे एब्सटेन, ABSTAIN, एब्सटेन, ABSTAINS, एब्सटेंस, ABSTAINED, एब्सटेंट, ओके ये भी वर्ड है नेगेटिव नो नॉट होना नहीं चाहिए ध्यान देना ना और क्या है रिफ्रेन वेरी गुड RERFRAIN रिफ्रेन है ना यहां पे क्या हो जाएगा रिफ्रेंस ये क्या हो जाएगा रिफ्रेन क्लियर दो पहले रूल पहले रास्ता उसके बाद जाके डेस्टिनेशन है ना तो रिफ्रेन रिफरेंस रिफ्रेन क्लियर ओके और क्या वर्ड आएगा वर्ड तो कुछ भी आ सकता है लेकिन वो तो हमको भी जानना है ना नहीं तो कैसे जानेंगे ये इसका यूज किया रहता है प्रॉब्लम होगा हाँ तो क्या होगा उसके बाद अब यूज परमिट परमिट्स फॉर बैड क्लियर तो ध्यान देना परबिट परबिट परबैट ओके पास्ट टेंस होगा ये भी प्रेजेंट है लेकिन सिंगुलर ये प्लूरल ओके फ्यूचर होगा तो वही विल फॉरगेट मी तो वही रहेगा कोई इशूस नहीं होगा हाँ चेंज होगा तो करेंगे हाँ खत्म अच्छा और एक वर्ड होता है डेसिस्ट हाँ डेसिस्ट वर्ड कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं बोलूंगा कभी कभी तो डेस वो भी वो हर का मतलब है मना करना मुझे वो वहाँ जाने के लिए मना किए तो ही डेसिस्टेड मी फ्रॉम गोइंग देयर ये फिर और फिर रिपोर्टेड को जाएंगे ना रिपोर्टिंग में हूँ रिपोर्टेड में कुछ चेंज फिर है हाँ डेसिस्ट डेसिस्ट एंड डेसिस्टेड हो गया क्लियर डाउट नहीं देखिए अच्छे से ना अच्छे से ध्यान देना डाउट होगा तो करेंगे डेसिस्ट हो गया ना हाँ वही तो जो जो भी लिखा मैंने क्यों से हुआ नेगेटिव अगर है से भी यूज कर सकते से यूज कर सकते से का हम यूज करेंगे आस्क टेल टेल टोल्ड आस्क 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 उसको छोड़ के ये भी आएगा तो ये ध्यान देना है प्रिवेंट प्रोहिबिट डेसिस्ट रिफ्रेन और क्या बोला प्रिवेंट फॉरबिड ये सब वर्ड लेकिन हर में फॉरबिड होगा ही नहीं ये सेंटेंस को डिपेंड करता है अगर पास्ट टेंस में तो फॉरबिड हो जाएगा पास्ट टेंस में तो प्रिवेंटेड हो जाएगा प्रेजेंट में है तो प्रिवेंट हो जाएगा अगर फ्यूचर में है तो वही डेसिस्ट ही रहेगा विल डेसिस्ट ये भी ध्यान देना है देता है कि नहीं क्वेश्चन में दिखेंगे ना तो कोई डाउट ठीक है आराम से टाइम कितना हो गया 8 मिनट्स हो गया हाँ आधा रूल्स नहीं हुआ है और फिर करना है हाँ अगर टाइम मिलेगा तो लेटर लेट्स का यूज कर लेंगे हाँ लेकिन हड़बड़ाना नहीं हमारा प्रिपरेशन का काम चलता है प्रिपेयर प्रिपेयर हो रहे हैं वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ हड़बड़ाना यहाँ नहीं है एग्जाम में हड़बड़ाई हाँ ओके शुड बी रेस्ट ओके हाँ तो ध्यान दीजिए अब हम चले जाएंगे रिपोर्टेड को हाँ ये तो रिपोर्टिंग का रास्ता खत्म हो गया अब हम चले जाएंगे रिपोर्टेड को है ना तो रिपोर्टेड में क्या रहेगा तो हम इनडायरेक्ट रिपोर्टेड में चेंज करेंगे ये भी ध्यान देना है ना अगर डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में ये जो मैं डिवाइड कर देता हूँ समझ में आता है ना पेश नहीं होता है शायद पहचान नहीं पाएंगे मेरे हैंडराइटिंग भी इतना सुंदर है इसलिए मैं जरा अलग अलग लिख देता हूँ है ना तो रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया
रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन आप जब नोट बना रहे हैं आप एक साथ लिख सकते हैं, कॉपी को ऐसा कर देना जैसे मेरा बोर्ड है हमारा, इस तरह का कॉपी को कर देना, आराम से लिखना, बस हर दिन रहना चाहिए। बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा बोला ना, जो जो पढ़ा जा रहा है आपसे पढ़िए, यू डोंट नीड टू गो इवन बुक, जरूरत ही नहीं है। हाँ बुक में कहाँ, बुक में कैसे गलत लगेगा, हाँ बुक जो लिखे वो भी तो सार होते हैं, टीचर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल बुक गलत हो ही नहीं सकता। हाँ बुक, लेकिन हम जो पढ़ेंगे, मैं जैसे बोलता हूँ जितना सार से पढ़ेंगे इतना नया चीज़ सीखेंगे। बुक तो हमारा हो गया थ्योरी, तो क्लास हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो थ्योरी भी तो जानना जरूरत है ना। बुक्स भी इम्पोर्टेंट है, बुक्स नहीं जाने हम कैसे जाने, बुक्स पढ़ के तो बुक्स है, लेकिन हर बार बुक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि किताबी कीड़ा बन जाइए, यू आर नॉट टू बुक वॉर, माना किताबी कीड़ा मत बन ना, ऐसा बोल नहीं सकते कि बुक में गलत दिया है, ये कैसे हो सकता है, जो बोल रहे वो कैसे जाने, और कोई बोल रहा है कि बुक में गलत देता है तो वो कैसे जाने। एनी वे छोड़िए, सब तो अलग मैटर है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो गया, ओके। तो हम अब चले जाते हैं, अगर सेंटेंस में नेगेटिव होगा ध्यान देना, नेगेटिव माने नॉट होगा, हाँ नेगेटिव माने नॉट होना ही होना है, क्या भी होता है ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव है तो नॉट होना ही होना है। अगर सेंटेंस में नेगेटिव है या नॉट अगर है सेंटेंस में, ध्यान देना, अगर सेंटेंस में नॉट है तो, अगर सेंटेंस में नॉट है तो ये क्या है, डायरेक्ट या रिपोर्टेड है। जब हम इनडायरेक्ट करेंगे उसको ये टू वर्ड यूज करेंगे, क्या नॉट प्लस टू प्लस वार वन। देखो लास्ट क्लास में एक बार बताए थे रिपोर्टेड को निकाल के माने इन्वर्टेड को टू लगाना, यहाँ लेकिन कुछ चेंज हो रहा है, एफर्मेटिव में टू लगाना था, टू प्लस वार वन करना था, लेकिन वही भी वही है, लेकिन यहाँ पे नॉट ऐड करना है। हाँ नॉट क्या होता है, नॉट एक एडवर्ब होता है, नो एडजेक्टिव होती है, बताया था ना, फिर करेंगे ध्यान देना, पहले रूल समझ लेते हैं, है ना। तो वर्बेटिंग में पॉइंट क्लियर, तो नेगेटिव नॉट, हाँ अगर नॉट क्यों, नेगेटिव होगा तो नॉट होना ही होना है। हाँ फिर अलग वर्ड भी आ सकता है, ये ध्यान देंगे। हाँ प्रिवेंट, प्रिवेंट होगा तो नॉट रहेगा या नहीं, है ना क्लियर। तो नॉट अगर है प्रिवेंट नहीं रहेगा, डेसिस नहीं रहेगा, फॉरबिड नहीं रहेगा, अगर ये है तो वो नहीं रहेगा, ये होगा तो ये नहीं रहेगा, क्लियर। तो ये प्रोहिबिट प्रिवेंट एक कहाँ होता है, रिपोर्टिंग में, रिपोर्टेड में हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल ये तो देखेंगे, ये वहाँ तक गए नहीं है, है ना। तो ये नॉट प्लस टू प्लस वार वन, ये अगर नेगेटिव में है तो कैसे होगा पढ़ेंगे ना, ओके। डू नॉट, ये बात की बात है ना, पहले हम लाइना बोलते हैं, ओके ये एक रूल है। और एक रूल हो गया, अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको छोड़ के और भी दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, पहले जो लिखा था। हाँ जैसे यहाँ पहले प्रिवेंट से स्टार्ट करते हैं, प्रिवेंट या प्रिवेंट या प्रिवेंटेड, ध्यान देना है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिपोर्टेड मैं बता रहा हूँ, ये तो नॉट टू प्लस बार वन, क्लियर जो भी हुआ होगा ना। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फ्रॉम, प्लस बार फोर, ध्यान देना हाँ, ये वर्ड यूज हो गया, इसको जरा हम मिलेंगे हाँ, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रिवेंट प्रिवेंट प्रिवेंटेड फॉर्म डेसिस्ट फॉर्म सब आएगा, और उसके साथ कहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे, कहाँ पे क्या यूज करेंगे, ध्यान देना है। तो प्रिवेंट प्रिवेंट प्रिवेंटेड, ऐसा लगाएगा सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ईडी लगाए तो पास्ट हो, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आना है, कौन से ऑब्जेक्ट होगा, ये क्वेश्चन को डिपेंड करेगा हाँ, फ्रॉम रहना ही रहना है, फ्रॉम यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भार आता है तो ये जेरंड होगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आ सकता है या नाउन फ्रेस आ सकता है, और तो मुझे आ ही नहीं सकता, भार थोड़ी रहेगा, पहले भार आ सकता है लेकिन उसके बाद नहीं, क्लियर। तो जैसे पहले भार आ जाए, देखिए है ना, प्रीपोजिशन के पहले भार आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, बाद में क्या आएगा, नाउन या नाउन फ्रेस, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो ये तो प्रीपोजिशन क्लास में क्लियर भी किया था, है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद जो बाहर बैगा है क्या है, नाउन, नाउन फ्रेश, तो ये क्या है, नाउन है, वर्ब जैसा दिख रहा है, तो इसलिए उसे हम जेरंड बोलेंगे, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। टाइप कितना, हाँ 14, हाँ ध्यान देखें, खत्म करें इसको और एक दो ट्रिक लिखते हैं, हाँ ध्यान देना, हाँ ठीक है लिख लीजिए, हाँ अच्छा बिल्कुल, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी
नहीं लिखी तो यह रूल, ये इस तरह का रूल मैं दो ठो लिखा दूंगा। ये नॉट टू का क्लियर हो गया ना, नॉट टू और इसको मिलाना मत, मिला देंगे तो खत्म, गड़बड़ हो जाएगा ना। ध्यान देना, क्लियर। कोई भी सेंटेंस होगा नेगेटिव का देंगे ना कुछ, जब हम सेंटेंस बनाएंगे पूरा लाइनअप हो जाएगी, पहले रूल चेंज करते हैं, है ना। हो गया बस, नहीं ये तो क्या होगा हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ हम निकाल देते हैं, ये मिटा के ऊपर में और कुछ लिखता हूँ मैं। तो जैसे रिपोर्टर्स में जो और भी कुछ वार्ड हो सकता है, जैसे प्रिवेंट्स की हाँ, यहाँ पे हम प्रोहिबिट वार्ड यूज कर सकते हैं, प्रोहिबिट्स। उसके बाद प्लस क्या होगा, ओके ऑब्जेक्ट प्लस रॉन्ग प्लस बारकोड, स्ट्रक्चर क्लियर कर लीजिए ना पूरा अच्छे से ना। प्रोहिबिट प्रोहिबिट प्रोहिबिटेड, ये टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट रहना ही रहना है, ये सब वर्ड आएगा तो फ्रॉम रहेगा ही रहेगा, और प्रेपोजिशन है माने जेरंड रहना ही रहना है। प्रेपोजिशन के बाद वो ये भार वार है तो भार तो है नहीं, ये नाउन है, प्रेपोजिशन वाला आ ही नहीं सकता है ना। एनीवे क्लियर बेटा दें, ओके ऊपर में लिखे चलेगा लेकिन यहाँ से क्योंकि अभी गड़बड़ हो जाएगा ना, समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सारी सीरीज चल रहा है ना, ओके। और क्या क्या बोले थे, प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, रिफ्रेन आर ई एफ आर ए आई एन, रिफ्रेन आर ई एफ आर ए आई एन एस रिफ्रेंस, आर ई एफ आर ए आई एन डी रिफ्रेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, देन भारपुर, लेकिन भारपुर दिख रहा है जेरंड है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद दिख रहा है ना। क्लियर तो ओके, ये ध्यान देना ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम को, हाँ ये भी एरर है, करंट एरर में भी क्वेश्चन आ सकता है ये, करेंगे एरर करेक्शन की। तो रिफ्रेंड रिफ्रेंस रिफ्रेंड कहाँ पे, नेगेटिव सेंटर, देखिए नॉट टू आ नहीं रहा है, आएगा बिल्कुल नहीं, ये दोस्ती नहीं करते नट के साथ हाँ। उसके बाद और कौन से वर्ड यूज किए थे, हाँ ये पूरा दिमाग में रहना, एब्सटेन, तो ये रिपोर्टेड में रहेगा, एब्सटेन एब्सटेंस एंड एब्सटेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन फ्रॉम, देन भारपुर। क्लियर दो टाइम को देख के 18 मिनट हो गया, क्लियर ये सब वर्ड ध्यान देना है हाँ। टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है हाँ, एब्सटेंट होगा कि एब्सटेंस होगा, एब्सटेंट होगा, लेकिन फ्रॉम और भारपुर तो पूरा मैंडेटोरी है हाँ, ऑब्जेक्ट रहना ही रहना है। उसके बाद रिफ्रेन, रिफ्रेन हो गया ना हाँ, रिफ्रेन तो हो गया। उसके बाद हम करेंगे डेसिस्ट, डेसिस्ट डेसिस्ट डेसिस्टेड है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस पार्कोर, हो गया क्लियर बस इतना ही तो है। और एक वर्ड था ना कौन सी, फॉरबिट हाँ, ये ध्यान देना बेटा दें, सब नेगेटिव है लेकिन नॉट नहीं लगाना है, नॉट लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा हाँ, ध्यान देना। और एक वर्ड आ जाएगा लेकिन नेगेटिव हो तो ये यूज करेंगे, नहीं तो नहीं हाँ, पॉजिटिव में भी यूज हो गई, इसका मतलब है मना करना हाँ। जैसे मैं बोलूंगा झूठ मत बोलिए, क्या बोला, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेलिंग ए लाई, ध्यान देना, तो मतलब क्या है, आपको झूठ बोलने मना किया गया बस हाँ, या मना किया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, फॉरबिड फॉरबिड्स फॉरबिड प्रेजेंट, ये सिंगुलर है सॉरी ये प्लूरल है, सिंगुलर है ये पास्ट है, ये दोनों में सिंगुलर प्लूरल में काम आएगा हाँ।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद टू लिखना है, उसके बाद वार वन। ये जरा ध्यान दे दीजिए ना उनको अच्छे से, क्योंकि जरा अलग रूल आ गया ना, नेगेटिव होगा। ये रहेगा हमारा रिपोर्टेड में, हाँ डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, जो हम पहले किए थे रिपोर्टिंग डायरेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच इनडायरेक्ट, से उसके बाद आस भी किए थे, और क्या कहते हैं टेल टोर्स भी किए थे, और ये सब वर्ड भी किए थे, लेकिन ये टू प्लस बार फोर ये सब नहीं लगाए थे, क्योंकि वो रिपोर्टिंग स्पीच था, ध्यान देना है। ओके क्लियर? ओ कहाँ पे यूज होगा ये डायरेक्ट? डायरेक्ट ना, आस अगर होगा तो ये हम डायरेक्ट के कहाँ पे, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में यूज कर सकते हैं, ध्यान देना, लेकिन रिपोर्टेड में नहीं। कहाँ पे? ये जो पूरा स्ट्रक्चर, हाँ फॉरबिड फॉरबिड ये सब इनडायरेक्ट के रिपोर्टिंग में यूज करेंगे, और पूरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्रीपोजिशन सब कहाँ पे यूज करेंगे? रिपोर्टेड में, ये ध्यान देना है ना। क्लियर बेटा दें? ओके इतना ही तो है, और भी कुछ रूल्स है, पहले निकाल देते, टाइम भी निकल रहा है ना, तो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। तो नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो कैसे यूज करें, समझ में आएगा? तो डाउट नहीं? ओके तो पहले काम करते हैं, जैसे सोच लीजिए माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर सेड टू मी स्टॉप वर्किंग। मेरे बहुत अच्छा काम है ना, बोले काम करना बंद करो। अच्छा क्या बोल रहे हैं? ग्रैंडफादर सेड टू मी स्टॉप वर्किंग, ये स्टॉप ये मैंने बंद करो, मैंने बंद करना एक नेगेटिव सेंस आता है, ये जरा ध्यान है, इसलिए पहले क्वेश्चन नहीं दिया हूं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे माई ग्रैंडफादर सेड टू मी स्टॉप वर्किंग, तो यहाँ पे ये क्या है? रिपोर्टिंग है, उसको चेंज करेंगे हम ना, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली माय ग्रैंडफादर, ये क्या होगा? प्रोहिबिटेड मी, और क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट लगाया प्रोहिबिट के बाद ऑब्जेक्ट बोला था मैं, उसके बाद हो जाएगा फ्रॉम, ये जो लगा है उसको हम बोलेंगे जेरान, क्या हो जाएगा? स्टॉप और लगेगा, क्योंकि नेगेटिव हो गया ये, क्यों रद है? स्टॉप तो खुद नेगेटिव है, और हम तो नेगेटिव ऑलरेडी प्रोहिबिटेड दे दिए, तो क्या कहें? माय ग्रैंडफादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम वर्किंग, तो यहाँ वर्किंग क्या है? जेरान, है ना। क्लियर? तो फ्रॉम के बाद नाउन ही आएगा, एपोजिशन के बाद नाउन, नाउन फ्रेश ही आएगा, अलग जो आएगा ही नहीं, खत्म। तो डाउट नहीं? तो इस तरह का चेंज करते हैं, क्या हो रहा है ना, तो कैसे चेंज किया? क्लियर? यस। एग्जाम में क्या बोलेगा? कहाँ पे टू दे देगा, कहाँ पे विद दे देगा, हमको ध्यान देना है। प्रोहिबिटेड है तो फ्रॉम लगाना ही लगाना है, जेरन होना ही होना है, छोटा छोटा चीज, और नेगेटिव भी होना है, ये भी ध्यान देना है ना। जैसे सोच लीजिए, और एक क्वेश्चन, माय मदर सेड टू मी डोंट प्ले विथ योर कैरियर, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं नॉट टू भी एक स्ट्रक्चर बताया था, ये भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट टू अगर लगाएंगे तो प्रीवेंट प्रोहिबिट को निकाल देंगे, ये भी ध्यान देना, माना यूज नहीं करेंगे ना। तो माय मदर सेड टू मी डोंट प्ले विद योर कैरियर, माँ बोल रहे हो तो तेरे कैरियर के साथ मत खेल, माने कैरियर के साथ इधर खेलना है, क्या बोल रहे हैं? माने बिल्कुल आप आपके लाइफ पर ध्यान दो, जो काम करना है ढंग से करो, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, अच्छे से जाओ, सर का लेक्चरर सुनो ना, जो बोला जा रहा है करो, देट इज माई डोंट प्ले विद कैरियर। क्लियर? तो माय मदर सेड टू मी डोंट प्ले विद योर कैरियर, ये क्या होगा? माय मदर, ये डेफिनेटली वांट यूज कर सकते हैं, वांट मी, है ना, माय मदर वांट मी, फिर नॉट टू प्ले विद माय करियर, माय मदर वांट मी नॉट टू प्ले विद माय करियर, क्यों हुआ यूर है ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, पहले ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हो जाएगा विद माय करेगा, तो हम ये डेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं,
माय मदर डेसिस्टेड मी फ्रॉम, है ना, प्लेइंग विथ माय करियर। क्लियर तो समझ में आ रहा है? 25 हो गया, हाँ ध्यान देखिए। ओके डाउट नहीं, आगे बढ़े बस, और एक दो टू क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे सोच लीजिए यहां माय अंकल सेड टू मी गिव अप स्मोकिंग। हाँ यहां पे जरा ध्यान दे रहा है, गिव एक वर्ब है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, हाँ माने वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब होता है कि नहीं, वर्ब और प्रीपोजिशन मिल के रहता है तो बोले थे हाँ, तो ये फ्रेजल वर्ब है लेकिन नेगेटिव फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे हम नो नॉट यूज कर सकते हैं माय अंकल एडवाइस मी नॉट टू स्मोक, माय अंकल वैंड मी नॉट टू स्मोक, अंकल सजेस्ट तो ठीक नहीं रहेगा, एडवाइस ही ठीक है हाँ, मानना ही मानना है, फ्रेंड अगर बोले सजेस्ट का काम होता, क्योंकि ये माने या ना माने हमारे बर्थडे पर करते हैं, लेकिन अंकल बर्थडे वाले एडवाइस के सिवा हमको फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारे अच्छे के लिए बोला जाता है। क्लियर तो एडवाइस और सजेस्ट में डिफरेंस समझे दो हाँ, तो और एक है अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे लेकिन अलग बात, माय अंकल फॉरबेट मी टू, और गिव अप नहीं करना है क्योंकि हम फॉरबेट ऑलरेडी नेगेटिव लीजिए और गिव अप इटसेल्फ इज नेगेटिव, है ना, तो माय अंकल फॉरबेट मी टू कि फ्रॉम, हाँ फॉरबेट लिख दिया टू स्मोक, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो माय अंकल फॉरबेट मी टू, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं माय अंकल एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक, ये भी हो सकता है ना, ध्यान देना, क्लियर तो डाउट नहीं, ध्यान देना, तो ये कहाँ पे चेंज हो रहा है, मैं देखो प्रीवेंट यूज कर दिया हाँ, और एक बार देते हैं हाँ, जैसे तो कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, क्लियर दो, जैसे बोले माय टीचर सेड टू मी, है ना, माय टीचर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी, नहीं क्या, माय टीचर सेड टू अवॉइड बैड कंपनी माने खराब दोस्तों से दूर रहो, ये दूर रहना भी तो नेगेटिव है ना कि नहीं है, अवॉइड बैड कंपनी क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हो गया हमारा रिपोर्टेड, होगा रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे माय टीचर एडवाइस मी, हाँ एडवाइस मी कर दो टू अवॉइड बैड कंपनी, ये लिख सकते हैं हाँ, नॉट टू जरूरत नहीं है क्योंकि अवॉइड खुद नॉट है हाँ, समझ लो, तो माय टीचर असिस्टेंट भी तो लिख दिए, और एक बार माय टीचर रिफ्रेंड आर ई एफ आर ए आई एन डी रिफ्रेंड मी फ्रॉम बैड कंपनी, समझ में आ रहा है, तो माय टीचर रिफ्रेंड मी फ्रॉम बैड कंपनी, अंडरस्टूड, कहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये जरा ध्यान देना है। ओके अरे क्वेश्चन टाइम कितना हो गया 29, तो हमारा टाइम भी निकल गया, तो जो जो पढ़ा जा रहा है आप एक बार पढ़िए, डाउट होगा फिर बोलना, उसके ऊपर फिर क्लास करेंगे, हमारा एक ही मोटो है कैसे हम एग्जाम में अच्छे से करें। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।